मॉर्निंग। हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? जरूर अच्छे होंगे, खुश होंगे, भगवान का आशीर्वाद से। सुबह का भी 7 बज रहा है। मेरा रोज का काम हम खत्म करके नहा करके पूजा कर लिए हैं। नाश्ता में आज पकौड़ी बनाएंगे, सोजना फूल का पकौड़ी बनाएंगे। कल से मार्केट से लाए हैं, कल नहीं परसों से लाए हैं, नहीं बनाए हैं, बनाएंगे जरा। सोजना फूल का पकौड़ी बनाएंगे, प्याज और हरा मिर्चा का भी बनाएंगे। सोमा घर पहुंच रही है, सोमा झाड़ू उड़ू करके घर पहुंच रही है। टॉफी भी आज घूम के आ गया, टॉफी मेरे को देख रहा है, खड़ा होके जा रहा है। पकौड़ी बनाएंगे, मुड़ी नाश्ता करेंगे, रोटी नहीं बनाएंगे। थोड़ा जाना है, कहाँ जाएंगे आप लोग को भी दिखाएंगे, इसीलिए जल्दी जल्दी खाना बना लेंगे फिर चलेंगे। पत्तू और कौआ का कैट फाइट। उधर कौआ है, इधर मेरा पतलू है, कैसे देख रहा उसको देखिए। उसको ऊपर से निकल गया तो उसको अच्छा नहीं लगा, वो सोच रहा मेरे ऊपर से कौआ निकलेगा, उसको देखिए कैसा देख रहा। पास में होता तो लग रहा मार देता उसको, बेचारा कौआ ना। पतू वो भी बनवास, उसका ऊपर से जाना नहीं चाहिए था। अभी छत में आए हैं, सुबह का 8:30 बज रहा है, अभी भी हल्का हल्का चारों तरफ कुआसा है। इधर दूर दूर कुआसा कुआसा लग रहा। ये नीचे था, इसको कितना बुलाएं कितना बुलाएं, तब जाके आया। मम्मी बुलाई तब जाके आया बनवास ठो। एकदम ठंडा वाला हवा चल रहा है ऊपर। मम्मी सुबह सुबह पानी दे के गई है, सब में खिल गया पूरा रोज। ये वाला भी हल्का सा खिला, ये वाला नहीं खिला अभी, और गेंदा फूल खिलेगा इधर, ये और बड़ा होगा। ये अपना मस्ती कर रहा चारों तरफ, दौड़ दौड़ के देख रहा है। हम लोग का इधर तो रोड बनता ही रहता, हमेशा बनता है, फिर पूरा अच्छा से बन जाता है, फिर खोद देता है, ऐसे ही चलता हम लोग का इधर। आज बहुत कौआ नजर आ रहा है, क्या बात है, खाली कौआ ही कौआ चारों तरफ। हम लोग का यहाँ है कौआ लेकिन इतना नहीं नजर आता, आज बहुत नजर आ रहा कौआ सब। देखिए मम्मी क्या कर रही है, हम दिखाते हैं। आज भी चूल्हा में खाना बना रहा, अभी ठंडा का मौसम है ना तो इतना दिक्कत नहीं होता चूल्हा में खाना बनाना, गर्मी का दिन दिक्कत होता है। आज क्या बन रहा माँ? पकौड़ी छन रहे तो पकौड़ी छन रहे। आज पकौड़ा बन रहा है, आज मुड़ी खाएंगे, अभी जस्ट थोड़ा ही से की है। हाँ, सोजना फूल का भी बनाएंगे, उड़द दाल का बॉडी फ्राई करेंगे, मुड़ी खाएंगे। हाँ। सोजना फूल भी रखे हैं, देखिए थोड़ा सा बेसन देके थोड़ा सा बनाएंगे। हम लोग तो ज्यादा कोई नहीं है, छोटा परिवार, थोड़ा थोड़ा बनाने से हो जाता है, रह जाता रह जाता है। तो मम्मी अभी यही कर रही, हम भी अपना काम खत्म करके आ गए हैं नीचे का, तो थोड़ा घूम रहे थे छत। पकोड़ा थोड़ा ही सा बना, भी बनाने स्टार्ट किए जस्ट तो माँ, है ना माँ? हम धनिया पत्ता नहीं खाते इसलिए, नहीं तो मम्मी बोल रहे थे पकोड़ा में भी डालेगी। ओ बहुत कुछ खाती नहीं है तो इसीलिए हम लोग खाएंगे नहीं। बहुत कुछ क्या नहीं खाते? बहुत कुछ, जैसे आजकल थोड़ा बहुत सीखा, और बहुत कुछ जैसे धनिया पत्ता नहीं खाता है, और क्या क्या यार, कुछ कुछ जैसे सोजना फूल नहीं खाता है, आजकल खाता है। हम बोले खाओ अच्छा लगेगा तो एक बार खाएं, तो मेरे को तीता लगा था इसीलिए हम नहीं खाते थे उस दिन। मम्मी मतलब अच्छा लगा बनाई थी तो हम सोचे अच्छा ही लगता है। एक बार बनाई थी मम्मी, तीता लगा मेरे को इसीलिए नहीं खाते थे, अभी ठीक लगता है। करेला नहीं खाता था, बेसन देके फ्राई करने से वो भी खाता है। करेला को चावल में सान देते हैं, उसके बाद खा लेते हैं। थोड़ा बहुत खाना चाहिए, साग कोई नहीं खाता, थोड़ा बहुत खाता है पुई साग, उसका फेवरेट है, तो पुई साग नहीं मिलता है। क्या करिएगा, साग खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। इधर आए थोड़ा धनिया पत्ता लेंगे, वहाँ है वो सब मार्केट का है, हम यहाँ थोड़ा ताज़ा थोड़ा सा लेंगे। बहुत सारा बिना गया था, हुआ नहीं इस बार, पता नहीं अगले बार बहुत हुआ था। ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा ही सा लेंगे। मम्मी बोली हम वो सब खा लेंगे, तुमको खाना है तो ले आओ, तो हम इतने ही थोड़ा सा लिए। देखिए अभी भी इसमें हुआ नहीं है अच्छा से, इधर भी बहुत बिना गया था नहीं हुआ। अभी बीम्स का फूल आया है, बीम्स का पेड़ में फूल आया, मतलब बीम्स होगा। इधर मूली और पालंग साग कितना बड़ा बड़ा हो गया, पालंग साग का पत्ता सब। तो मूली मूली होगा कि नहीं पता नहीं, पालंग साग लेकिन होगा अच्छा से, और बीम्स भी होगा।
फूल आ गया तो होगा बीम्स। हम जा रहे थोड़ा सा बस मूढ़ी में दे देंगे धनिया पत्ता, खाएंगे उसके। प्याज का पकौड़ा बन के रेडी हो गया है। सजना का फूल को मम्मी उबाल ली पहले। क्यों उबाले माँ? इससे थोड़ा इसको थोड़ा कड़वा टाइप का लगता है, हल्का सा। उसको उबाल लेकर के पानी छान लेने से ना कड़वा नहीं लगता है। इसमें सब्जी में भी बनाने से हम ना थोड़ा उबाल लेते हैं। आलू मसाला, मीट का मसाला देके, आलू देके बनाने से अच्छा लगता है। गांव का तरफ हम लोग का कोई नहीं खाता, यहीं आके खाने सीखे, यहाँ सबको ही खाता है। इसीलिए थोड़ा मार्केट से लाए थे, थोड़ा सा लाए थे, खराब हो गया। परसों मार्केट से लाए थे तो झड़ गया। ऐसे कैसे हो गया, थोड़ा सा निकला। इसको पकौड़ा बना देंगे। पकौड़ा में थोड़ा सा बेसन, नमक और क्या क्या डाले, खाने वाला सोडा, और मसाला में मसाला थोड़ा डाल दिया। हाँ, मीट मसाला डाल दिया मम्मी। इसका पानी को अच्छा से मम्मी एकदम एक कर दे, निचोड़ दे रही है, तो पानी पानी हो जाएगा ना माँ। बनने के बाद आप लोग को बताते कैसा टेस्ट है इसका। सजना फूल का पकोड़ा बन के रेडी है। थोड़ा टेस्टी टेस्ट किए, बहुत टेस्टी बना है। हाँ, आप लोग भी कभी बना के खाइए, बहुत टेस्टी बनता है। प्याज का वो पत्ता सब नहीं होता, उसका भी पकोड़ा बनता है, वो भी बहुत टेस्टी होता। हम पहले नहीं खाते थे, मेरे पापा एक दिन बनाए थे और बोले खा के तो टेस्ट करो कैसा होता है, उस दिन से अच्छा लगता है बोला। भी इसको भी थोड़ा दिए, देख रहा था, सो गया और देख भी रहा है मनवाष्ठो। मम्मी चूल्हा में भी दाल बैठा देगी, उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। चले नाश्ता करने, प्याज का पकौड़ा और सजना फूल का पकौड़ा, थोड़ा सा धनिया पत्ता लिए मूढ़ी में सान देंगे उसको, और उड़द दाल का बड़ी और प्याज। मम्मी भी उधर नाश्ता मूढ़ी निकाल लिए है, उसके बाद मम्मी फूलगोभी फ्राई करेगी। आज जल्दी से खाना बन के रेडी हो गया है, क्योंकि सुबह मूढ़ी नाश्ता की रोटी नहीं बनाने से लेट नहीं हुआ है। हम लोग जाएंगे भी कहीं, इसीलिए अभी 11 भी नहीं बजा है, 11 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है। पत्तू इधर सो गया है, नाश्ता कर लिया। अभी ज्यादा कुछ बनाया नहीं, क्योंकि कल का चिकन है, मछली फ्राई है, और अभी खाली दाल आलू फूलगोभी का फ्राई किए, पकौड़ी बनाए हैं, बस पकौड़ी में नाश्ता किए, और लंच के लिए दाल आलू फूलगोभी का फ्राई कर दिए, कुछ नहीं बनाया। जाएंगे कहीं, आप लोग को भी मेरे साथ ले चलेंगे। पकौड़ा सब बहुत टेस्टी बना था आज, सजना का फूल का भी और प्याज वाला भी। चूल्हा का खाना अच्छा लगता है? नहीं, आपका हाथ का टेस्टी होता ही है। चूल्हा का खाना का अच्छा लगता है, ऊपर से बहुत मेहनत है चूल्हा का, रोज रोज तो नहीं बना सकते हैं, बना लेना ठंडी बल्कि गर्मी में नहीं बना सकते हैं। गर्मी में तो हम लोग आते नहीं है बिल्कुल चूल्हा में खाना बनाना। हाँ, शाम को कभी भी, कभी कभी ना माँ, हमेशा नहीं, बहुत मन किया तब जाके आते चूल्हा में खाना बनाने, शाम को गर्मी का दिन। अभी ठंडा है तो रात को नहीं आते हैं, सुबह बनाते हैं। आज जल्दी से लंच कर लिए हैं, टफी मेरा खाना खा लिया, अभी बाहर का डॉगी लोग को जा रहे खाना देंगे। पत्तू नहीं, यही जा रहे हैं, सोमा भी जा रही है, हम भी जा रहे हैं, थोड़ा काम है इसीलिए जा रहे हैं, तुरंत अभी घूम के आ जाएंगे। टफी मेरा परेशानी है, सोमा जा रही है। हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बिजली बिल जमा करने, घर में कोई नहीं है तो हम लोग को ही ना करना पड़ेगा, नहीं तो फिर काट देगा बिजली ना माँ, फिर तो मुसीबत हो जाएगा। उस टाइम पहले भैया रहता था तो भैया जाके जमा करके आ जाता था, वो बोला था हम आएंगे तो जमा कर देंगे, उसका पहले हम ही लोग कर देते हैं, वो कब आएगा अभी पता नहीं। दिखाते हैं यहाँ का नजारा कंपनी एरिया का, देखिए इधर हम लोग कंपनी एरिया में, इधर ये डीबीसी है तो इधर से ही जाना पड़ रहा। चल जाएंगे मम्मी और हम कभी आए नहीं है, मम्मी आई है भैया के साथ, मम्मी आई है। हम पहली बाइक स्कूटी में भैया ले जाते थे, हम कभी पैदल नहीं आए इधर। इधर हम लोग पूरा कंपनी, सब तरफ दोनों तरफ रोड का कंपनी, इधर भी कंपनी, इधर एक तालाब है, उसके बाद कंपनी। सब काम लेडीज लोग को करना चाहिए, तब ना लेडीज लोग सब कुछ कर सकता है। घर का सबको ही बोलते हैं, लेडीज लोग एक काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, सब करेंगे तब ना समझेंगे जो हाँ सब कुछ कर सकता लेडीज लोग। हाँ, क्यों नहीं कर सकते, खाना बना सकते हैं, बच्चा का माँ बन सकते हैं,
घर का हर काम कर सकते हैं, बिजली बिल जमा नहीं कर सकते वो भी कर सकते हैं, इसलिए कार के घर का आदमी को दिखाना चाहिए। हम तो स्कूटी सीख गए थे, मेरी मम्मी मेरे को रोड में निकालने नहीं देती है, इसीलिए तो पैदल चलना पड़ता सब जगह। तो हम स्कूटी चलाना सीख गए थे, उस टाइम थोड़ा तो चलाते भी थे, हम बोले एक दिन निकाले, मम्मी बोलती नहीं कूट देगा कोई। हम लोग का यहाँ जमशेदपुर में बहुत रोड भीड़ भाड़ है, हम बोले सीखेगी, उस टाइम थोड़ा कमती उम्र था, इंटर में पढ़ती थी, तो हम इसीलिए मना करे सीखेगी, थोड़ा याद होगा तो सीखेगी, इसीलिए आज में कोई नहीं कूटेगा तो आके मैं थोड़ा समझदार हो जाता बच्चा लोग ना जो हाँ थोड़ा स्पीड कम करेंगे में चलाएंगे। हम अगर चलाएंगे भी तो थोड़ी ना वो लड़का लोग को जैसा फुल स्पीड में चलाएंगे, धीरे ही चलाएंगे, इसलिए हम बोल रहे थोड़ा मतलब एज हो जाएगा तब ग्रेजुएशन का बात करेगी, उसका बाद मना करने लगे। हम रोड में बहुत कुछ देखते हैं तो इसीलिए मना करते करते आज एम कॉम पार हो गया, तभी भी उसका स्कूटी चलाने नहीं, इंटर का टाइम वो सीख गया था। हम लोग उसका पापा और हम करके जुबली पार्क में जा कर के बैठते थे और वो सीखती थी, अभी वो नहीं, अभी नहीं यूज करते हम क्योंकि अब छोड़ दिए यूज करना, अब उधर पढ़ाई में ध्यान दे दिए थे उस टाइम, उसके बाद और स्कूटी में ध्यान नहीं दिए हम, तो अभी सोच रहे हैं सब जो पैदल ही जाना पड़ता, मेरे को कहीं अकेले जाने से पैदल जाना पड़ता है, मम्मी के साथ भी पैदल जाना पड़ता है, उससे अच्छा सीख लेंगे, मम्मी सीख लेने से मम्मी नहीं बैठेगी स्कूटी मेरा, मेरे को पता है बैठिएगा स्कूटी मेरा। हाँ बेटा को मना करते थे सुना नहीं, आपने छिप छिप के वो चला चला के सीख गया, स्कूटी सीख गया, गाड़ी भी सीख गया, सब सीख गया, उसका कोचिंग जाता था, कोचिंग का जो टीचर नहीं है वही उन्हीं का गाड़ी लेके वो सीख सीख के सीख गया। हम ऐसा नहीं करते इसीलिए नहीं सीखा जाता था, तो बेटा ले आता था, कभी मेरे को डीवीसी में कुछ काम जरूरी होता था माँ बेटा आ जाते थे, अभी बेटा घर में नहीं है तो माँ बेटी कर रहे हैं। ये देखिए हम लोग को इधर कंपनी सबका नजारा, इधर कंपनी है उधर भी कंपनी है, रोड का उधर बीच में पेड़ सब है, एकदम हरियाली हरियाली, लेकिन डस्ट से पूरा भर गया पेड़ सब, कंपनी सब का डस्ट, रोड का डस्ट, सब डस्ट पेड़ पौधों में एकदम चिपका हुआ है, चिपका, बारिश होने से जाएगा सब धूल, तो दूर है ना माँ। मेरे को अभी याद आ रहा हम स्कूटी में आए हैं ना, बहुत बार आए हम लोग, बेटा जब भी गाड़ी में छोड़ने आता था इसी रास्ते में हम लोग को, हम लोग जब बिष्टुपुर सांची कहीं भी जाएं इसी रास्ते में हम लोग को, इधर है अच्छा उधर नहीं है, इधर है रास्ता डीवीसी का, दो गो रास्ता। पापा मेरे को पहले यहाँ स्कूटी सिखाते थे लेकिन एक दो बार सीखा, एक कदम फूल है ना, कदम फूल का पेड़ ये भी है क्या? नहीं कुछ और पेड़ है, ये सब इमली पेड़ नहीं है लेकिन इमली का पत्ता जैसा है, रांची में इमली पेड़ भरती है ना माँ, पूरा जरोड़ हर रोड में देखिएगा ना, एक रांची दो रांची में पूरा इससे ही महल है, कभी तो रांची जाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे रांची का नजारा, पहले हम लोग वहीं रहते थे अभी नहीं रहते ना माँ, पहले वहीं रहते थे ना पहले। हाँ मेरा बेटा वहीं से तो स्कूलिंग किया, उसको वहीं पर पहला स्कूल वही मतलब रांची में ही उसको एडमिशन कराया, जाएंगे रांची सोच रहे, प्लानिंग है थोड़ा जाने का, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा ठंडा, यहाँ इतना ठंडा है तो वहाँ भी बहुत ठंडा ही होगा, इसलिए अभी नहीं जाएंगे, जनवरी फरवरी तक, जनवरी तरफ जाएंगे रांची घूमने। अभी से पहुँच गए बिजली बिल जमा करने के लिए, बहुत दूर थक गए, मम्मी के से जमा हो गया लेकिन रास्ता बहुत लंबा है इसीलिए लेट हो गया, सुनसान भी है। हाँ तो सुनसान भी है, इधर तो थोड़ा भीड़ है, उधर और रोड सुनसान था, अब धीरे धीरे चल जाएंगे घर। माँ बेटी स्पीड से गए हैं, पैसा ये डीवीसी में जमा किए हैं बिजली बिल, फिर माँ बेटी इतना स्पीड से है, इतना गर्मी जो हम लोग देखिए फैन चला रहे हैं, फैन चला दिया, टॉफी मेरा रो रहा था, हम लोग जब गए थे रो रहा था, देखिए बैठा तो मेरे गोदी में आके फिर बैठ गया, मेरा टॉफी रो रहा था, मेरा टॉफी रो रहा था, अकेले रहने से उसको थोड़ा डर लगता है आजकल ना, क्या पता नहीं अकेले रहने से डर लगता है। हम लोग बिजली बिल जमा किए,
और तुरंत दौड़ते दौड़ते आ गए पूरा। इतना पसीना हम लोग का, जैसा गर्मी का दिन, बेटी बोल रही थी कॉलेज जाने से आप स्वेटर पहन के जाइए, स्वेटर पहन के जाइए बोलते थे, क्यों नहीं पहनते थे जानते मम्मी? आज देखिए ये हाल। सही बात है, हम चादर ओढ़ के गए थे, वो स्वेटर नहीं उड़ी थी, तभी भी हम लोग चल के आ रहे थे, पूरा एकदम पसीना पसीना हो गया पूरा हम लोग का। घर में आके पहुंच गए, अभी हम लोग रेस्ट करेंगे ना। सोमा कुछ बोलेगी बोलो। थक गए, गर्मी लग रहा, मुंह हाथ पैर धोएंगे जा रहे। जा, आज बिजली बिल जमा करने गए थे, बहुत थक गए हैं। गए हैं दो बार गए बेटा का साथ, गए आज पैदल गए थे बेटी का साथ। बेटा को बोल रहे हैं बाबू हम जमा करके आए हैं ये बाबू का साथ, तो बाबू सोच रहा बाबू का साथ। फिर बेटी बोल रही है और आपका बेटा है क्या मम्मी? हमने गलती से बाबू का साथ जाते हैं ना, इसीलिए बोल दिया। बेटी का साथ गए थे, बहुत थक गए सही से। माँ बेटी आके पूरा फैन ऑन कर दिए, फिर कपड़ा लत्ता चेंज करे, फिर सो गए। शाम को पूरा कितना 5:30 बजे जगे ना, 5:30 बजे हम लोग जगे हैं, सो गए थे, पूरा थक गए थे। आज का ब्लॉग यही इन करते हैं, कल न्यू ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे। खुश रहिए, अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। गुड नाइट, बाय।